तो माशाल्लाह काफी करीब पहुंच चुके हैं। हजरत बदुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह साहब का चिल्ला वारा आप देख सकते हैं सामने की तरफ। माशाल्लाह देख सकते हैं ये डंडा डंडा होके होके लेकर चलना है ऊपर, क्योंकि काफी चढ़ाई है। बुजुर्ग होने के बावजूद इनकी हिम्मत है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। वो नंगे पैर अलग है, चप्पल वगैरह भी इन्होंने नहीं पहन रखी है। आपके साथ में कौन है? तो ये भाई बोलने से शर्मा रहा है, कह रहा आप ही बोलते जो बोलना है। तो मैं आपको बता दूं, आज 17 तारीख है, 17 तारीख की यहाँ पर महफिल होती है चिल्ले मुबारक पर। तो इन्होंने जो जितने भी जारी आते हैं उनके लिए यहाँ पर दुकान लगा के रखी है। भाई ये फूल आए हैं दम मदार पे चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर दुकान लगाओगे? हाँ दुकान लगाएंगे। कितने साल से लगा रहा हूँ? 3 साल से भाई। तो पब्लिक आती है? बहुत पब्लिक आती है। कि खिच खिच के बयाबा से दीवाने चले आए, जब शम्मा हुई रोशन तो परवाने चले आए। और क्या बात तुम्हारी है रिमदाने बदीउद्दीन, जब प्यास बड़ी हद से तो मैं खाने चले आए। माशाल्लाह जब प्यास बड़ी हद से तो मैं खाने चले आए। हक अल्लाह मोहम्मद मदार दम मदार बेड़ा पार। लातो सलाम पेश हो चुका है और अब आतिशबाजी का वक्त है। वो ये पहला गया ऊपर और ये दूसरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग सब खैरियत होंगे। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं अजमेर शरीफ में और आज आपको हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह साहब के चिल्ले मुबारक की ज़ियारत कराने वाले हैं, जो कि अजमेर शरीफ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर 3000 फीट की ऊंचाई पे ये चिल्ला मुबारक मौजूद है। और एक चिल्ला मुबारक यहाँ पर भी बना देख सकते हैं, लेकिन जो लोग ऊपर नहीं जा सकते, बुजुर्ग बच्चे जो चढ़ नहीं सकते, चढ़ाई काफ़ी है, तो यहाँ पर ही ज़ियारत कर लेते हैं। यहाँ पर ही फूल चादर पेश कर देते हैं और दुआएँ मांग लेते हैं। लेकिन अभी हम आपको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर की जो भी मंदिर नज़ारा होगा रास्ते का, तमाम मंदिर नज़ारा आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और ऊपर जाके लंगर का इंतजाम भी किया गया, वो मंदिर भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप वीडियो बने रहिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में वीडियो को सेंड करते रहिए, ताकि जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते वो हमारे वीडियो के जरिए से ही तमाम मंजर नज़ारा देख सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करती थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं और यहाँ पर काफ़ी कम सीढ़ियाँ, कुछ ही सीढ़ियाँ बनी है, करीब 50-60 सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद सिर्फ पहाड़ी इलाका है, पहाड़ से हमें चढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम पूरे इंतजाम के साथ आए, जूते वगैरह पहन के आएँ। और अभी तो धूप है तो हो सकता है अभी तो पसीने भी आ जाएँ, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे और जब शाम का वक्त होगा तो काफ़ी ठंड बढ़ जाएगी, इसलिए हम जैकेट भी साथ में लेके आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी है, सीढ़ियाँ सिर्फ यहाँ तक ही है, करीब 50-60 सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद टोटल पहाड़ी इलाका है, जितना भी रास्ता टोटल पहाड़ी इलाका है। बाबा जी देख सकते हैं इतनी उम्र होने के बाद भी बाबा जी जा रहे हैं। कहाँ साहब बाबा जी, कहाँ के रहते हो? बेंगलोर का है। बेंगलोर से आयो? हर साल आते हो यहाँ पर? नहीं, हमारा गोदी है वो दादी। किस जगह? चारियारी। चारियारी में? हाँ, राजू बाबा का वादी। हाँ आगे। अच्छा तो ये बाबा हैं जो राजू बाबा के पास में रहते हैं। कितने साल से आ रहे हो आप? ये कम से कम 20 साल हो गया। माशाल्लाह हर साल ऊपर जाता हूँ। हाँ जी हर साल ऊपर जाता हूँ। पहले बार आया, ये इतना दिन आया। बाबा जी कह रहे हैं जैसे हुकुम हो गया मेरे को, इस साल आ रहा हूँ, 20 साल से अजमेर शरीफ आ रहा हूँ, लेकिन जो मदार साहब का चिल्ला मुबारक है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पर पहली मरतबा जा रहे हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं ये डंडा डंडा होके होके लेके चलना है ऊपर, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है। बुजुर्ग होने के बावजूद इनकी हिम्मत है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। वो नंगे पैर अलग है, चप्पल वगैरह भी इन्होंने नहीं पहन रखी है। आपके साथ में कौन है? ओ जो भी जाए कौन है? ओ ये भाई इधर भी बैठे हुए हैं, ये इनके साथ में ही है, तो इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं। तो बाबा जी आपके साथ हैं? आप कितने साल से आ रहे हैं? 24-25 साल से। 24-25 साल से ऊपर जा रहा हो? ऊपर जाता हूँ चिल्ले मुबारक को इजाजत करने के लिए। अब रहने वाले कहाँ को? रहने वाले में कलिया शरीफ। कलिया शरीफ से आए हैं, साबिर पाक की दरगाह शरीफ से। माशाल्लाह तो भाई बैठे हैं, अभी थक गए हैं इसलिए यहाँ पर आराम कर रहे हैं, हम भी थोड़ी देर आराम करके ऊपर चलेंगे। तो देख सकते हैं आधा सफ़र हमने तय कर लिया है पहाड़ों पर चलते हुए। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी पहाड़ों से हम ऊपर की तरफ आए हैं, और ये रास्ता आप देख सकते हैं इस तरफ हमें जाना है, और सामने की तरफ है हजरत बदुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह साहब का चिल्ला मुबारक। तो चलिए चलते हैं, आपको पूरा मंजर नज़ारा दिखाते चलते हैं, किस तरह का मंजर है। वो यहाँ पर काफ़ी ढांसरे के पेड़ लगे, पौधे लगे हुए देख सकते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक इसमें ढांसरे हैं, खट्टे मीठे जो होते हैं।
यहाँ पे काफी सारे इसके पेड़ लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा पहाड़ सही है और ये चढ़ाई भी थोड़ी कम है इस जगह, जितनी खड़ी चढ़ाई थी हमने वो तय कर ली है। तो काफी सारे जायरीन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं ये जितने जायरीन सब नागपुर से आए बाबा ताजुद्दीन बाबा की दरगाह शरीफ से माशाल्लाह। हजरत बदुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह साहब के चरण मुबारक की ज़ियारत की जा रहा है। वो काफ़ी थकान हो चुकी है, अब थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, बैठने के बाद फिर ऊपर का सफ़र तय करेंगे। देख सकते हैं कैसा मंजर नज़ारा है और ये रास्ता भी और तय करना बाकी है हमारे को, काफ़ी डेंजर रास्ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फजर की एक नज़र के जो ऑनर हैं जफ़ी भाई, हमारे दोस्त भी हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे, वो भी यहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए आए हैं। तो हमें ये भी मिल चुके हैं यहाँ पर माशाल्लाह। वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम, हाजिरियों को बोलता फरमाया। हाय जी जफी भाई, कैसे हो? क्या बात है, पहली बार आओ यहाँ पर? कितने टाइम हो गया? 15 साल बाद आया हूँ भाई, पहले बचपन में आता था अम्मी और के साथ, तो इंशाल्लाह अब 15 साल बाद आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तकरीबन मैंने 80% रास्ता तो कर लिया है। 80% तो हो गया, 20% और है। हाँ तो आइए दोस्तों चलते हैं, चलते हैं फिर ये सफर। थोड़ा थक गया था तो मैं भी बैठ गया यहाँ पर। अंसारी भाई माशाल्लाह, वैसे हमने एक घंटे में 80%, इतना रुकने के बाद भी 80% रस्ते में आ चुके हैं हम एक घंटे में, माशाल्लाह सरकार का करम। तो आप देख सकते हैं ये दरगाह अजमेर शरीफ का नजारा, कितने ऊंचे हम चढ़ाई पे चढ़ चुके हैं, काफी छोटे छोटे मकान जैसे दिखाई दे रहा है और काफी धुंध है, इसकी वजह से आपको थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, कुछ कोहरा काफी है। तो ये रास्ता देख सकते हैं कैसा है दोस्तों, जैसे की आज हम आ चुके हैं हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैहि के चिल्लाए मुबारक पे। तो इसी मौके पे हमें ट्विन अंसारी भी मिले थे, तो उन्होंने बोला भाई आप कैसे, तो मैंने बोला आप और आप तो ऐसे यहाँ पे कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपके उर्स मुबारक हैं और सरकार ने बुलाया है, तो बस इनके कदमों की धूल लेने आ चुके हैं, कदमों की खाक के सदके में आ चुके हैं और इंशाल्लाह तो ये हमारे से मुलाकात हुई है ट्विन अंसारी की। तो उम्मीद करते हैं सरकार सबकी हाजिरियों को कबूलता फरमाए, सबकी परेशानियों को दूरता फरमाए, हज बैतुल्ला रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़ारत से मुशर्रफ़ता फरमाए, दुश्मनों जालिमों हाकिमों की निगाहों से महफूज रखें, और जितने भी चाहने वाले हैं जो भी यूट्यूब के जरिए इंस्टाग्राम के जरिए फेसबुक के जरिए आपके चिल्लाए मुबारक की हाजिरी दे रहे हैं, सरकार सबकी हाजिरियों को कबूल मकबूलता फरमाए। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे भाई, ये फूल आए हैं दम मदार पे छंडने के लिए। यहाँ पर दुकान लगाओगे? हाँ दुकान लगाएंगे। कितने साल से लगा रहा हूँ? 3 साल से भाई। पब्लिक आती है? बहुत पब्लिक आती है, बहुत सारी पब्लिक आती है, गिनती नहीं है भाई। तो ये कब तक लगेगी दुकान? ये कल तक का लगेगी, शाम तक। रात भर यहाँ बैठे रहोगे? रात भर नहीं बैठे रहेंगे। तो ये भाई दुकान लेकर आए, अपनी फूल की दुकान यहाँ पर लगाएंगे, देख सकते हैं जो जायरीन यहाँ से आते हैं तो यहीं से फूल वगैरह खरीदते हैं और यहीं से लेकर ऊपर हजरत बदुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह साहब के चिल्ले मुबारक पर पेश करने के लिए जाते हैं। तो एक रास्ता आप देख सकते हैं नाका मदार का रास्ता, ये जो काफी जायरीन यहाँ से भी आते हैं जो पीछे रहते हैं नाका मदार गाँव है, पीछे की तरफ यहाँ से आते हैं, लेकिन हम इस तरफ से आए क्योंकि ज्यादातर जायरीन जो इस तरफ से आते हैं, तो हम भी यहाँ ऐसा है। और ये दुकान भाई ने यहाँ पे लगा रखी, जैसा मैंने भाई से पूछा भी, ये फूल की दुकान लगा रखी इन्होंने और ये अभी यहाँ पे दुकान लगाएंगे और कल तक यहीं रहेंगे, कल रात रात को भी यहीं ठहरेंगे और कल शाम को ये मदार साहब के उर्स करके यहाँ से अपने घर की तरफ जाएंगे। तो जो चिल्ला मुबारक है ऊपर ही पहाड़ पर ही है, काफी करीब दिख गया है बिल्कुल, ये पहला खंबा है, दूसरे खंबे के वहां पर ही चिल्ला मुबारक है। तो अब चलते हैं, काफी करीब आ चुके हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ का भी रास्ता पहाड़ी इलाका है, टोटल पहाड़ी इलाका है, जो सीढ़ियाँ थी वो शुरू के अंदर ही सीढ़ियाँ बनी थी, स्टेप बने हुए थे, लेकिन उसके बाद टोटल पहाड़ी इलाका है, और इसलिए हम पूरे इंतजाम के साथ यहाँ पर आए, पाँव में जूते पहन कर आए, माशाल्लाह काफी करीब पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। तो ये भाई बोलने से शर्मा रहा है, कह रहा आप भी बोलते जो बोलना है, तो मैं आपको बता दूं आज 17 तारीख है, 17 तारीख की यहाँ पर महफिल होती है चिल्ले मुबारक पर, तो इन्होंने जो जितने भी जारी आते हैं उनके लिए यहाँ पर दुकान लगा के रखी है, देख सकते हैं, और कल शाम तक यहाँ पर रहेंगे, रात भर रहेंगे और शाम को ये अपनी दुकान समेट के अपने घर की तरफ जाएंगे। तो चलते आगे की तरफ, आपको आगे नज़र दिखा देते माशाल्लाह। तो माशाल्लाह काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं हजरत बदुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह साहब का चिल्ला मुबारक, आप देख सकते हैं सामने की तरफ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं हम, अलम ले रहा है वहाँ पर, वो यहाँ से अजमेर शरीफ का मंजर देख सकते हैं, बैक साइड का, और ट्रेन चल रही है आप देख सकते हैं काफी दूरी पे, मदार स्टेशन, मदार स्टेशन पे नाका मदार पे ब्रिज, सुभान अल्लाह। यहाँ पर एक पानी की टंकी भी काफी बड़ी देख सकते हैं नीचे,
जो नीचे पाइपलाइन थी उसी पाइपलाइन से हमें पानी आया करता था, पर अभी काफी बंद हो चुकी है। और ये मजार साहब का चिल्ला मुबारक और काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। तो दोस्तों अजमेर शरीफ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर आलम निरारा देख सकते हैं माशाल्लाह। वो सामने की तरफ है हजरत बदुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह साहब का चिल्ला मुबारक, जहाँ की हम आपको हाजिरी कराने के लिए यहाँ पर लिखा है। इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने के बाद यहाँ पहुंचे हैं और ये अजमेर शरीफ का नजारा देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं। ये चारों तरफ का नजारा मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। अपनी तरफ चिल्ला मुबारक है, वो काफी कम जायरीन अभी आपको नजर आ रहे होंगे क्योंकि जो उर्स भरेंगे वो कल भरेंगे, वो काफी तादाद में यहाँ पे लोग आएंगे। हम इसीलिए एक दिन पहले यहाँ पर पहुंचे ताकि सुकून से आपको यहाँ की ज्यारत करा सके, क्योंकि धक्का मुक्की में भीड़ भाड़ के अंदर वीडियो बनाने में मजा नहीं आता है और ज्यारत भी ढंग से नहीं हो पाती है। इसलिए हम यहाँ पर सुकून के टाइम पहुंचे हैं और देख सकते हैं काफी खूबसूरत मंजर नजारा है। और अजमेर शरीफ नाका मदार का इलाका पीछे की तरफ माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इधर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हम ऊपर की तरफ थे उस पहाड़ी पर और नीचे की तरफ आ चुके हैं, अब चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर भी फूल की दुकान लगी, एक लोग एक दो दिन पहले यहाँ पर आकर फूलों की दुकान लगा लेते हैं। तो लगभग बिल्कुल पहुंच चुके हैं चिल्ला मुबारक के करीब, कल काफी तादाद में लोग होंगे इसलिए यहाँ पर रेलिंग वगैरह का इंतजाम कर दिया गया है, देख सकते हैं ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह भी रेलिंग लगी है, हो सकता है कोई गिरे ना, इसलिए काफी अच्छा इंतजाम किया गया है। लोहे के पाइप लगा दिए गए और सांस फूल चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल चिल्ला मुबारक के पास पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। तो ये है एंट्री गेट, बिल्कुल माशाल्लाह पहुंच चुके हैं। हजरत बदुद्दीन शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह, अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। वालेकुम अस्सलाम आशिकों को, हुजूर दम्मदार बाबा के और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि ये नंगर बहुत कदीमी है, दम्मदार बाबा के अंदर हमारे बड़े भाई लोगों ने चालू किया था, कोरमा रोटी का नंगर यहाँ पर होता है, सब लोग शिरकत और हिस्सा लेते हैं बाबा के अंदर। हर साल ये कदीमी नंगर यहाँ दम्मदार बाबा के अंदर होता है। ये असर और मगरिब के अंदर नंगर चालू हो जाएगा और 10:30, 11, 11:30, 12 बजे तक नंगर चालू रहेगा। फिर उसके बाद एक नंगर हो रहे जो मेरे छोटे भाई करते हैं, आमिर भाई और फाइज भाई और अब्बासी भाई और उनका एक ग्रुप है, वो भी कढ़ाई गोश्त का नंगर करते हैं। पहले कोरमा रोटी का नंगर होता है, 11, 11:30, 12 बजे तक वो चलता है, फिर 11:30, 12 बजे के बाद वो नंगर चालू होता है। तो दोस्तों ये थे अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के खुद्दाम हजरात, जिन्होंने यहाँ पर लंगर का इंतजाम किया है। और ये कुछ मज़ारात यहाँ पर बने हुए देख सकते हैं, वो काफ़ी पुराने मज़ार हैं। यही वो मज़ार हैं जहाँ पर मैंने आपको जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, यही वो मज़ार मुबारक है जहाँ पर काफ़ी तादाद में नेवले आते हैं। अभी काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इसलिए नेवले आपको दिखाई नहीं दिए कहीं भी। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, जो अजमेर शरीफ दरगाह के खुद्दाम हजरात भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं फैज़ान भाई, वो हम सब के लिए दुआएं खैर भी करेंगे और आपको चिल्ले मुबारक की ज़ियारत भी कराएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते ऊपर की तरफ, आपको ज़ियारत कराते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। दुआएं खैर तंदुरुस्ती जान सलामती ईमान दीन दुनिया भी हर कार मुश्किल आसान। हुजूर हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार, जितने भी लोग आपकी बारगाह एकदस में यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए हाजिरी दे रहे हैं, सरकार सबकी हाजिरी को कबूल मकबूल फरमाइए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाइए, दुश्मनों जालिमों हाकिमों की निगाहों से महफूज रखिए, जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखिए सरकार, करम फरमाइए सरकार, आपकी पनाह में आपकी साये में रखिए करीम नवाज, बगैर दाबे बला उस्ताद कश्ती सही फानो शकस ताराद कुश्ती पाक के ख्वाजा ए उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, सबका भला सबकी खैर बहक के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह।
तो दोस्तों ये चिल्ला मुबारक है हजरत बदुद्दीन जिंदा शाह राम मदार रहमतुल्लाह अलैह का। और अभी शाम का वक्त हो चुका है, असर की नमाज़ हो चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद जब मगरिब के बाद यहाँ पर आतिशबाजी करी जाएगी, तो अभी आतिशबाजी भी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहिए। और इस तरफ एक चिल्ला मुबारक भी बना है जिसको जन्म जत्ती चिल्ला मुबारक भी कहा जाता है माशाल्लाह। अब यहाँ की भी हाजिरी कर सकते हैं, वो धीरे धीरे लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं अभी माशाल्लाह। दोस्तों रोशनी हो चुकी है, देख सकते हैं अभी चिल्ले मुबारक पर रोशनी कर दी गई है। अभी थोड़ी देर बाद मगरिब की अजान होगी, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी भी इसको भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, आप वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ बताएं, रोशनी हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं आतिशबाजी का सब पटाखे वगैरह रखे हुए हैं, थोड़ी देर बाद अभी इसको चलाएंगे। सब स्काई शॉट है सब, ये नीचे से ही लेकर आए हम खरीद कर। तो आतिशबाजी के पटाखे आ चुके हैं, ये देख सकते हैं हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह साहब का जो चिल्ला मुबारक है उसके पास में आतिशबाजी की जा रही है। स्काई शॉट लेकर आए नीचे से खरीद कर, तो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि मगरिब की नमाज हो, ईशा हो, उसके बाद चलाएंगे। मगरिब हो चुकी है, ईशा हो चुकी है, अब पटाखे चला रहा है। अरे नहीं जाएगा, इधर रखना, जब भी पीछे रखो। रफी भाई यहीं लगा दो, बिस्मिल्लाह करो। वो बिल्कुल ही करीब से बता रहा है आपको, तो बिस्मिल्लाह करिए। और ये देख सकते हैं हो गया स्टार्ट। अभी एक तो जला था, चलने चलने थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पूरा ही अल्लाह देख सकते हैं दोस्तों, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हो रहा आतिशबाजी शुरू, इसका काफी देर से वेट कर रहे थे। तो ये सामने चिल्ला मुबारक माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी ऊपर की तरफ चलते हैं, अभी सलात व सलाम पेश किया जाएगा, तो चलते ऊपर सलाम में शामिल होते हैं। ए ख्वाजीगा की चादर है ख्वाजा, ए ख्वाजीगा की चादर है फकरे कोनो मका, की चादर है फकरे कोनो मका, की चादर है सर पे रखो लगाओ आँखों से, सर पे रखो लगाओ आँखों से, मेरे ख्वाजा पिया की चादर है, मेरे ख्वाजा पिया की चादर है, मुश्किलें क्यों ना हो मेरी आसा, मुश्किलें क्यों ना हो मेरी आसा, ऐसे मुश्किल खुशा की चादर है, ऐसे मुश्किल खुशा की चादर है, ख्वाजा ख्वाजीगा की चादर है, सर पे रखो लगाओ आँखों से, सर पे रखो लगाओ आँखों से, ये मेरे मुर्तजा की चादर है, ये मेरे मुर्तजा की चादर है, मुश्किलें क्यों ना हो मेरी आशा, मुश्किलें क्यों ना हो मेरी
प्यासा ऐसे मुश्किल कुशा की चादर है, ऐसे मुश्किल कुशा की चादर है। दम्मदार एक नारा जोरदार, दम्मदार बेड़ा पार, एक नारा जोरदार। मानती है दुनिया भर का मुश्किल आसान, या दम्मदार सरकार आपकी बारगाह में जितने गुलामान ने गरीब नवाज, गुलामान ने गुलाम, जितने हाजिर है गैर हाजिर है, सबकी हाजिरों कबूल मकबूल, जो अकीदत के नजराने तोहफे आपकी बारगाह में पेश किए कबूल फरमाए, हाजत रवाई कीजिए, दिली मुरादों से जायद मुरादों से झोलियों को भरिए। हम सब जितने गुलामान गुलाम और गुलाम गरीब नवाज के यहाँ मौजूद है, सबको सेहत याबी तंदुरुस्ती से महफूज रखिए, आपकी निगेबानी में रखिए, दामन पाक के सहे में रखिए, बीमार को शफाए कामिल अता फरमाइए, जो कर्जदार है कर्जदारी से निजात, जो न औलाद है उनको नेक और साले औलाद अता फरमाइए, सब बच्चों को इनकी दौलत से मालामाल, वालिद वालिदा का सर पे साया कायम, घर वालों को बुजुर्गों को माँ बहनों को सबको सेहत याबी तंदुरुस्ती अता फरमाइए। करम तुम न करेंगे तो करम कौन करेगा, झोली आपके उरस में जितने आए उन सबकी कौन भरेगा, कीजिए करम की नजर कीजिए, मेरे भांजे शालू को बड़ी उम्र का फजल, मेरे भांजे मुंह को बड़ी उम्र का फजल, मेरे भाई नदीम को भी बड़ी उम्र का फजल अता फरमाइए। जितने यहाँ मौजूद है सरकार सबके दिल के हाल रोशन है आपको, सरकार इसी तरह शान और शौकत के साथ आपकी बारगाह में बुलाते रखिए, फरमाइए हम सब पे रहम फरमाइए, करम कर दो, करम की बार है और करम हो जाए तो बेड़े पार है, जेल में बंद उन सबको रिहा कराइए, सफर में उन सबका सफर मुबारक कीजिए, पुलिस की भी हाजिरी कबूल फरमाइए, बच्चों की उम्र दराजी अता फरमाइए, सब पे निगाह खास और निगाह फरमाइए। शाबाश है लुक्तम में अकर्मा में तुझे बाप बजे पंजे दा पंजे दंगे पांच नालाक नालाक दरी जगी का दर कलंदा दम्मदा। तो दोस्तों हमने आपको हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह साहब के चिल्ला मुबारक की हाजिरी करा दी है, जो कि अजमेर शरीफ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ की आप ज़ियारत किस तरह कर सकते हैं और रास्ते का कैसा मंजर नजारा होता है, ये तमाम मंजर नजारा आपको इस वीडियो में देखने को मिला। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ट्विन संसारी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपके पास पहुँचाए सबसे पहले। वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।